Hello family, welcome back to my channel. I am Anya and you are most welcome to Anya's World channel. So this is part 2 of Bubble Gun. Okay, so in this video I have told you that if someone has not seen the previous video, I will give you a recap. But if you have my subscribers, then you will be the first one to watch my first video. Let's see, I will tell you again. So in the previous video I have an unboxing of Bubble Gun. जिसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया था कि उसमें क्या क्या सामान था, उसे कैसे कैसे करना है, वो सब मैंने बताया था. तो पर पिछली वीडियो में मैंने गन चलाई नहीं थी क्योंकि उसके लिए बैटरी चाहिए होती है. तो मैं उसी दिन सोचने लगा कि मैं बैटरी लूँ कहाँ से. तो फिर मैंने अगले दिन सोचा कि एक शॉप है पड़ती है मेरे घर के पास जिसमें बैटरी मिल जाएगी. तो मैंने उधर से बैटरी ली पर मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं उसकी वीडियो बना सकूँ. तो मैं अब बना रही हूँ, ठीक है. तो अभी हम बाकी सब से, तो ये रही गन. ये रहा लिक्विड. तो पहले मैं अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ जिससे आपको दिख जाए. ओके गाइस, आपको दिख रहा होगा ये अगेरी गन. तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बैटरी डलनी कहाँ से है. तो बैटरी ये पीछे से होगा. पीछे से आपको एक छोटा सा ये बटन मिलेगा. इसे आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये ऐसे करके खुल जाएगा. मैंने बैटरी खरीद के डाल दी है. और जो आपको बैटरी चाहिए ना, उस जो बैटरी चाहिए आपको, अगर आपको नहीं पता कि कौन सी बैटरी डलेगी इसमें, तो ये बॉक्स के पीछे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं. उसमें आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा दैट इंसर्ट 3AA बैटरीज. ओके, तो आप वो बाय कर लीजिएगा, ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली बैटरी के साथ भी गन आ सकती है पर मेरे को नहीं मिली तो मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती हूँ. तो अभी हम शुरू करते हैं. आई थिंक सो आपको दिख रहा होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपने बैटरी डालेंगे तो आपको ऐसी आवाज़ आएगी. ये बटन है जिससे क्लिक करेंगे, देखा, ऐसी आवाज़ आएगी जब आपकी बैटरी डल जाएगी. तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हाँ, ये वही बैटरी है जो इसमें डलनी चाहिए. तो हमारे पास लिक्विड है, अभी हम लिक्विड को इसमें डाल रहे हैं. अभी हमने डाल दिया है और अभी हम ना इस तरफ से देखिए गाइस, आपको कैसी लगी गन? तो मेरे को तो इसका काफ़ी अच्छा लगा और जिस हिसाब से क्वालिटी की जो गन है उसके हिसाब से प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है मेरे हिसाब से. तो ये जो लिक्विड अगर आपका इसमें बच जाता है तो ये जो है ना, इससे आप वापस से आराम से डाल सकते हैं. इससे आपका लिक्विड भी बचा रहेगा पर थोड़ा आराम से डालिएगा. तो अगर ये आप जानते होंगे कि बबल्स ऑफकोर्स सोप से ही उसका लिक्विड का जो मिक्सचर होता है वो मेन उसका बेस सोप ही होता है. तो उसका हमें ध्यान रखना है कि वो हमारे हाथ वगैरह पे ना गिर जाए. तो अभी मैं इसको वापस से पैक कर रही हूँ. आपको मैंने क्लियर किया, हाँ, तो मैंने कर लिया अब इसको पैक और अब मैं इसको यहाँ पर रख चुकी हूँ. तो हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि ये जिस हिसाब से गन आई है उस हिसाब से इसका जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा है. ये मेरे को गन पड़ी थी
रेशो से जो मेरे जितनी पॉकेट मनी है उसके अंडर आ गई। तो मीशो एक बहुत अच्छा ब्रांड है, मैं आपको वापस से कह रही हूँ और मैं लगातार ये वीडियो में कही जा रही हूँ कि मीशो काफ़ी अच्छा ब्रांड है, आप उससे ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर आप छोटे हो, अगर आपको अपने मम्मी पापा का गिफ्ट चाहिए तो आपकी पॉकेट मनी के अंडर आपका गिफ्ट आ सकता है। ओके, तो ये तो बस एक एग्जाम्पल था। वेल मैं काफ़ी खुश हूँ इससे, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अब मेरी हो चुकी है समर वेकेशन शुरू, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हर वीकेंड्स पे सैटरडे संडे एक न्यू वीडियो आएगी। हर सैटरडे संडे, आज कौन सा डे है, आज ट्यूसडे है, तो आज तो मैंने बना ली टू आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो सैटरडे संडे मेरी वीडियो आएगी, एक ना एक ज़रूर वीडियो आएगी, ठीक है, सैटरडे को एक संडे को एक। तो और मैं अपलोड कर दूँगी